नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं इस वक्त खड़ा हूं बैंड्रा के गेटी गैलेक्सी सिनेमा हॉल पे। और ये जो सिनेमा हॉल है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस सिनेमा हॉल को किसी भी फिल्म की कामयाबी का पैमाना माना जाता है। यहाँ पे अगर भीड़ दिख जाए और यहाँ पे जिस फिल्म में लोग जा रहे हों देखने उसमें भीड़ हो, तो आप समझिए कि फिल्म हिट है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अक्सर जितने भी फिल्म स्टार हैं जिनकी फिल्में जब रिलीज़ होती हैं, उसके डायरेक्टर्स यहाँ यही देखने आते हैं कि उनकी फिल्म पर क्या रिएक्शन मिल रहा है, क्योंकि जो रिएक्शन इस सिनेमा हॉल पर मिलता है वो मुंबई के किसी सिनेमा हॉल पर नहीं मिलता। ये G7 है, इसको इसमें 7 सिनेमा हॉल हैं और ये सबसे पुराना मल्टीप्लेक्स है मुंबई का। हम आज बात करेंगे 15 अगस्त के दिन 3 फिल्में हिंदी में रिलीज़ हुई हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात करें क्योंकि आजकल पैन इंडिया का ज़माना है, तो करीब 15 फिल्में अलग अलग भाषाओं को मिला के 15 फिल्में आज के दिन रिलीज़ हुई हैं, जिसमें दक्षिण और अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं की फिल्में। और जब मैं फिल्म पर बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ दो खास लोग हैं, एक तो हैं गिरीश वानखेड़े जो कि ट्रेड एनालिस्ट हैं, और साथ में मेरी सहयोगी हैं अबीरा जो अभी अभी शाहरुख खान का इंटरव्यू करके आई हैं लुकानो से। जी बिल्कुल, कितना स्पेशल मोमेंट था, दैट वाज एक्सट्रीमली स्पेशल मोमेंट दैट वी गॉट टू इंटरव्यू शाहरुख खान एट लुकानो फिल्म फेस्टिवल। बट नाउ वी आर बैक एंड यहाँ पे 15 अगस्त, यू कैन सी द क्यू आउटसाइड गेटी गैलेक्सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ ये जो पूरी लाइन लगी हुई है आपको दिख रहा होगा, ये पूरी लाइन 3 के लिए है। All these people are going inside to watch 3. You can see the craze. When I spoke to them, they said that 3 2 is their first priority. While they don't want to dismiss the other films, they are going to watch it over the weekend. But this film is a priority because, of course, 3 was a huge hit of 2018. Let's go and ask them. Abira, यहाँ पे इस gate पे 3 की भीड़ है, और जो उधर दूसरा gate था उस पे सारे लोग वेदा और डबल स्मार्ट देखने जा रहे थे। डबल स्मार्ट भी एक फिल्म है, खेल खेल में भी। हाँ नहीं, जब हमने वहाँ पे खड़े थे तो डबल स्मार्ट और वेदा की भीड़ थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग खेल खेल में देखने भी जा रहे हैं और लोग कंफ्यूज हैं कि 3-3 फिल्में रिलीज हो रही हैं, कौन सी फिल्म देखें। तो सबसे पहले तो गिरीश से हम बात करते हैं, आप हमें बताइए कौन कौन सी फिल्में रिलीज हो रही है। पहले तो there's a huge confusion about this. No, there are actually 16 to 17 films which are releasing. 16 to 17. But out of this 16 to 17, the prominent films are 5 films. 3 are in Hindi. उसमें सबसे बड़ी फिल्म है स्त्री, स्त्री 2 obviously, which will be having the biggest release. Then there is खेल खेल में, which is अक्षय कुमार स्टारर, and then there is वेदा, which is जॉन अब्राहम स्टारर। इन 3 हिंदी फिल्मों के अलावा 2 बड़ी साउथ की फिल्में रिलीज हुई है, उसमें एक है डबल स्मार्ट। डबल स्मार्ट में मैं एक चीज़ बता दूँ, उसमें हिंदी कनेक्शन भी है क्योंकि इसमें संजय दत्त हैं, संजू बाबा हैं। और डबल स्मार्ट के अलावा दूसरी है थंगालन। थंगालन भी है, और थंगालन पारंजित की फिल्म है जिसमें विक्रम है, और एक बड़ी फिल्म है। मैं लोगों को बता दूं विक्रम कौन है। विक्रम वही हैं जो रावण में आपने उनको देखा होगा, स्ट्रेंजर में यानी अजनबी में हिंदी फिल्म आई थी वो। विक्रम बहुत बड़े स्टार हैं साउथ के, अभी आपने उनको PS1 PS2 में भी देखा था। और इन 5 फिल्मों के अलावा और एक छठी फिल्म है, उसका नाम है मिस्टर बच्चन। वो तेलुगु फिल्म है जो कि रवि तेजा वाली, और ये रेड जो हमारे यहाँ सक्सेसफुल थी अजय देवगन वाली, उसका ऑफिशियल रीमेक है। तो इस तरीके से 6 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, और इस वक्त का ये जो जोश देख रहा हूँ मैं गेटी गैलेक्सी जेमिनी में, वो अमेजिंग है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। सो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि विक्रम की जो फिल्म है वो कहाँ रिलीज हो रही है, बिकॉज बुक माई शो और कहीं पे भी हमें टिकट्स नहीं मिल रही है बॉम्बे में। सो जो मैंने पब्लिसिस्ट से बात की थी उनके, तो ये कन्फ्यूजन मुझे भी था जो आपको था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पहले से ये डिसाइडेड था कि ये फिल्म साउथ में रिलीज होगी, लेकिन 30 के आसपास वो इधर नॉर्थ में रिलीज होगी। तो ये है कन्फ्यूजन। सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर टिकट्स फॉर थंगालन, प्लीज मेक श्योर यू बुक योर टिकट्स ऑफ 30th। सो इट हैज नॉट रिलीज्ड इन पैन इंडिया टुडे, बट डाउन साउथ इट्स अ हिट ऑलरेडी। पीपल हैव लाइंड अप एंड पीपल आर गोइंग इनसेन अबाउट द फिल्म। इट हैज गॉट ग्रेट रिव्यूज ऑलरेडी, द रिव्यूज आर आउट, राइट? यस। एंड नाउ दिस एंटायर क्राउड इज ऑल अबाउट स्त्री 2 एंड वेदा एंड डबल स्मार्ट गेटी गैलेक्सी। या बिकॉज़
मेरे खेल में का भी शो शायद अभी होने वाला होगा, तो भीड़ भी थोड़ी देर में हमें वहां नजर एक्साइटमेंट है ना वो इस वक्त स्त्री टू का, लेकिन स्त्री टू की इतनी लंबी लाइन है कि मैं अक्सर मैं और अबीरा यहां पे आते हैं जब सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में रिलीज होती हैं, और जो ये माहौल हमें सलमान शाहरुख की फिल्मों में दिखता है ये हम आज यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी भीड़ यहाँ पर होगी। मुझे लगा होगी भीड़ लेकिन इतनी नहीं होगी, मैंने खुद इतनी गर्दी नहीं देखी, क्योंकि पिछले जितनी भीड़ देखी है वो करीब 6-8 महीने के बाद इतनी सारी भीड़ है। सबसे बड़ी बात तो ये कि तीन बड़ी फिल्में हिंदी, और जो बिल्टअप स्त्री का है वो बिल्टअप इतना स्ट्रांग है इस वक्त के कल रात के पेड प्रीव्यू भी इसके सक्सेसफुल थे। स्त्री टू का पेड प्रीव्यू हुआ है और मैक्सिमम जगह पर कल 8:30 और 9:30 बजे के शोज थे, और उसमें से कल एक पेड प्रीव्यू मैंने देखा जो कि हाउसफुल था। अब पेड प्रीव्यू में हाउसफुल होना इसका मतलब है कि आप सुपर कॉन्फिडेंट हो अपने कंटेंट को लेकर। अच्छा, उस का अगर मैं आपको बता दूँ कलेक्शन, तो पेड प्रीव्यू का कलेक्शन 8 करोड़ का है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल है। और आज जिस तरीके से इस वक्त भीड़ आप देख रहे हो, उस भीड़ को तो देख के लगता है कि जितनी 5 या 6 फिल्में हमने बताई उसमें जो सर्वोच्च क्रमांक जिसका रहेगा वो स्त्री टू का ही रहेगा। हाँ, स्त्री टू को, और मैं सबसे बड़ी बात है कि जब मैं जा रहा था मैंने बहुत सारे लोग शुरू में लाइन में लगे हुए थे वो बोल रहे थे वेदा वेदा वेदा, लेकिन उसमें जब डबल स्मार्ट सुनाई दिया मुझे बहुत सारी भीड़ डबल स्मार्ट खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग संजू बाबा क्योंकि संजू रथ उस फिल्म में है, और ये बैंड्रा है ना ये बैंड्रा जो है ये सलमान खान और संजय दत्त इनकी, ये बेसिकली ये समझ लो कि इनकी फैन फॉलोइंग की सबसे बड़ी जगह है। इस जगह पे पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं कि सिंगल स्क्रीन में फिल्म कितना बिजनेस करेगी। ये सिंगल स्क्रीन का पैरामीटर वाला सिनेमा है। मल्टीप्लेक्सेस की तो अपनी एक एलीट ऑडियंस होती है, लेकिन असली ऑडियंस जो उसकी फैन है। अब यहाँ पे कोई केक काट रहा था जॉन अब्राहम के वेदा के लिए, क्योंकि मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि बहुत वक्त के बाद जॉन अब्राहम की फिल्म आई है। तो ये जो मैडनेस है, ये पागलपन है ना, वो आपको बैंड्रा के गेटी गैलेक्सी में दिखेगा। और देखिए मैं एक और चीज बोलूंगा कि बाकायदा यहाँ पे जो लोग आए ना वो ट्राई कलर बहुत लोगों ने पहना हुआ है ना, वो ट्राई कलर इतने लोगों ने पहन के वो बाकायदा जो ये इंडिपेंडेंस डे है उसको मना रहे हैं। लेकिन ये भीड़ के अलावा जो मुझे लगता है कि हमें बात इस पे भी करनी चाहिए, एक एक करके हम तीनों फिल्मों पे बात करते हैं, ठीक है? हाँ, एक एक करके तीनों। तो सबसे पहले स्त्री टू इन्होंने भी देखी है, मैंने तीनों फिल्में देखी हैं, तो स्त्री टू से पहले शुरू करते हैं। पहले अबीरा से पूछो, उन्होंने नहीं देखी है, कि अबीरा की एक्सपेक्टेशन क्या थी स्त्री टू से? ओके, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत है, बिकॉज मुझे भी स्त्री बहुत अच्छी लगी थी, सो आई रियली लाइक द फिल्म एंड आई एम होपिंग, बिकॉज आपको पता है सीक्वल्स थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं एंड इट्स नेवर एज गुड एज द ओरिजिनल वन, सो आई होप दैट दे हैव डन जस्टिस टू स्त्री। आई होप स्त्री टू हैज डन जस्टिस, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पीपल गोइंग इन विद सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन, माई फियर इज बिकॉज देर इज सो मच एक्सपेक्टेशन it should not fall flat, right? What do you think? Have you watched it? No, I have watched it. I am telling you. हम दोनों के जो वो है ना views अलग है. अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैंने देखी कल and this sequel has done justice to the original. बहुत rarely होता है कि sequel original से बेहतर बने, लेकिन ये बेहतर भी है। इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ज़्यादा इंसेमल स्टार कास्ट है, इसमें आपको इतने ज़बरदस्त केमियोज देखने को मिलेंगे ना, आप चकरा जाओगे, मतलब आप हर 20 मिनट के बाद केमियोज देखोगे। उसके अलावा जितने सिचुएशन रिव्यू में ही था, हाँ, बाहर आ चुका, है कौन कौन है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोलूँ या नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे सुनना ही नहीं है, मैं कान बंद कर लूंगी, मुझे सुनना ही नहीं है। बट यू नो, आपको नहीं लगता, आप दोनों से पूछ रही हूँ मैं, ये कैमियोज का ट्रेंड हो गया है कि अगर मूवी हिट कर रहा है तो कैमियोज डालो? We saw the same thing with this film, Mr. Bachchan. Cameos का trend नहीं है। नाम ही याद नहीं आ रहा। Cameos का trend नहीं है, ये universe का trend है। तो जो आप रोहित शेट्टी की फिल्मों में देखते हैं कि जो एक्टर्स ने उनकी फिल्मों में पुलिस का किरदार निभाया वो फिर एक फिल्म में सब दिखते हैं, तो ये आपके लिए हिंट है कि जो जो मडॉक फिल्म्स ने फिल्म बनाई है हॉरर कॉमेडी आने वाली नहीं, जो आ चुकी है हॉरर कॉमेडी, तो हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स आपको इसमें नजर आएगा। और तो, बस मत बोलिए, हाँ अब आप समझ, आप तो समझ ही गए हो। यूनिवर्स का ना सबसे पहले सबसे बड़ी यूनिवर्स होती है एवेंजर्स की। अब एवेंजर्स में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स दिखते हैं, इनको थोड़ा मतलब भी दर्शकों को बताइए यूनिवर्स का। यूनिवर्स का क्या होता है कि अगर एक प्रोडक्शन हाउस कई सारी फिल्में बनाता है, उस फिल्मों की जो सेटिंग होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कई बार जो जॉनर एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि डेडपूल मीट्स वॉल्वरिन।
अब उसके अलावा एवेंजर्स में आपको बैटमैन भी मिलेगा, उनको आपको सुपरमैन भी मिलेगा, आपको उसमें सारे वो कैरेक्टर्स मिलेंगे जो मार्वल के। बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं रोहित शेट्टी की फिल्मों की, सिंघम में आपको सारे पुलिस वाले मिलेंगे जो जो सूर्यवंशी थे या सिम्बा थे, अजय देवगन थे, अजय देवगन सिम्बा। तो इसी तरीके से स्त्री में, स्त्री जो है ना ये बेसिकली मैडॉक फिल्म्स का स्त्री 2 ये बेसिकली एंसेम्बल है बहुत सारे इस यूनिवर्स के जो कि हॉरर कॉमेडी की यूनिवर्स में, और जो यूनिवर्स में नहीं है वो भी है, वो भी है। अब हॉरर मैं बोलना चाहती हूँ, अब मेरे दिमाग में आ रहा है शायद वरुण धवन है हम नहीं बताएंगे। हॉरर कॉमेडी में जो जॉनर्स है उसमें ऑब्वियसली भेड़िया है, उसमें मुंजिया है, उसके अलावा स्त्री है। तो ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स है जो उनकी सोलो फिल्में आई हैं वो जब आपको, हाँ उनकी फैन फॉलोइंग है, जब ये सारे कैरेक्टर्स आपको एक जगह पे मिलते हैं और वो केमियो होता है, तो उसको उसका मतलब है कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस यूनिवर्स को बिलीव करते हैं, और वो जो बिलीफ है, वो कॉन्फिडेंस है, वो दर्शकों को रुझाता है, वो अच्छा लगता है दर्शकों को। बिल्कुल। ओके, मुझे अब ये पूछना है, हमने देखा है खेल खेल में तो आप स्त्री 2 आपको कैसी लगी फिल्म? मुझे स्त्री 2 बहुत पसंद आई, मैंने पहली देखी, उसके बाद ये आज अगर चार मतलब 2018 में आई थी, उसके करीब 6 साल के बाद ये आती है, तो ये जस्टिस करती है। केमियोज अच्छे हैं, उसकी एक स्पॉन्टेनिटी है फिल्म में, जितने भी कैरेक्टर्स है बहुत ही अच्छी तरीके से उनके कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया, लिखा अच्छा है। ये बेसिकली होता ही है कि जो हमारा पल्प फिक्शन था पहले, जो कुमार कश्यप, ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, प्रेम वाजपेयी, इस तरीके का जो उस वक्त का एससी बेदी जो हम बचपन में पढ़ते थे, उसी को इन्होंने पर्दे पर साकार किया है, और आज की नई जनरेशन इसको पसंद कर रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म सीक्वल के प्रोसेस में जस्टिफाई करती है। जी, आपको क्या लगा था? तो मेरा थोड़ा जो मत है वो अलग है आपसे। मेरा मत ये है कि ये जो फिल्म है, एक तो इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, तो एक्सपेक्टेशन में मुझे ये लगा कि इस फिल्म में जो पहली फिल्म थी, जो पहला पार्ट था इसका, उसमें सिचुएशनल कॉमेडी बहुत ज़्यादा थी, जबकि सेकंड पार्ट में वो सारी की सारी कॉमेडी स्लैपस्टिक हो जाती है। फर्स्ट हाफ मुझे लगता है कि सिर्फ भाग दौड़, चीखना चिल्लाना यही हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। सेकेंड हाफ में जो चीज़ें हैं वो, उसके अलावा एक और चीज़ है, जो फर्स्ट फिल्म थी उसमें ना जो मैसेज था, संदेश था, एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म थी स्त्री, ये भी है, लेकिन वो जिस स्मूथ लाइन के साथ उन्होंने कहते ना इशारों में बात बोली थी, वो यहाँ पे चूक गए। यहाँ पर भी है, लेकिन है नहीं, नहीं ज़्यादा सटल नहीं है वो, क्या है कि यहाँ पे भी है लेकिन वो बिखरी हुई है, वो बिखरी हुई है, वहाँ पे आप सीधा सीधा आपको लगता है कि हाँ ये एकदम स्ट्रेट जा रही है, और वो एक ऑर्गेनिक किसी स्टोरी की ग्रोथ होती है, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ थी उस फिल्म में। इस फिल्म में वो ऑर्गेनिक ग्रोथ मुझे नहीं नज़र आई, जिस तरह से कैरेक्टर्स आते हैं, बनते हैं, लेकिन हाँ कॉमेडी है, और कॉमेडी की सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी बातें या चुटकुले जोक ऐसे होते हैं जिन पे आपको हंसी आ सकती है, मुझे नहीं आ सकती। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट? मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं हंसता, मुझे हंसी मुश्किल से आती है, है ना? हाँ मुझे, लेकिन इसमें जो कल का है स्त्री 2 में एक केमियो है खास, उस केमियो में एक वो बिल्कुल सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस इतना इंटरेस्टिंग है, उस केमियो का पूरा सीक्वेंस, और वो कम से कम मुझे लगता है 4 से 5 मिनट का है, अमेजिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि वो केमियो है, वहाँ पे मुझे लगा कि कॉमेडी आई है, और उस केमियो में जो स्टार है वो कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनीमोर। सो स्पॉयलर्स, हमने आपको नाम नहीं बता रहे, तो ये मुझे स्त्री 2 की जो प्रॉब्लम है वो यही इसमें लगी। और होता क्या है कि चलिए ये तो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, केमियोज जनरली लोग इसलिए भी डालते हैं फिल्मों में कि ऑडियंस को लुभाया जा सके, लेकिन इसमें चलिए मैं मानता हूँ, जो कालकी में हमने देखा था कि इतने सारे कैमियोज, एंड आई थिंक आफ्टर कालकी दिस इज अनदर वन स्त्री 2 विद सो मेनी कैमियोज, राइट? तो मुझे ये लगता है कि इस फिल्म में अगर सीक्वल्स की हम बात करें, तो आज तक मुझे पहले से दूसरा बेटर सीक्वल की बात करूं तो लगे रहो मुन्ना भाई के बाद, मुन्ना भाई MBBS के बाद लगे रहो मुन्ना भाई जबरदस्त सीक्वल था।
तो वो मुझे अभी तक नहीं देखने की बात है। कब की बात है? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक सीक्वल को ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना मतलब बहुत मुश्किल चीज है, उसको उतना ही रियल बनाना। तो स्त्री 2 पे हम जब तक बात खत्म करें, हम ये बता देते हैं कि स्त्री 2 को लेके लोगों के बीच एक्साइटमेंट बहुत था, जैसा बताया कि करीब 8 करोड़ की पेड प्रीव्यूज हैं और लोग मान रहे हैं, ट्रेड एनालिस्ट, फिल्म कारोबार विशेषज्ञ जो हैं वो मान रहे हैं कि ये फिल्म करीब 40 करोड़ करेगी। आज हो सकता है 40 से ऊपर भी जाए, 40 और 45 के बीच में मेरा एस्टिमेशन है आज का, क्योंकि जिस तरीके से मैं भीड़ देख रहा हूँ, पेड प्रीव्यू का जोश, उसके बाद अब इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ थिएटर में लोगों की ये जो भीड़ लगी हुई है, उससे मुझे लगता है कि बहुत वक्त के बाद वो सुनहरा वक्त जो सिनेमा घरों का होता है वो वापस आ गया है, और स्त्री 2 उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज 3 फिल्में जब क्लैश होती है, there's a question mark all the time at the box office, what will happen? मेरे ख्याल में औरों में कहां दम था, और कौन सी थी दूसरी फिल्म? उलझ है ना, उससे पहले बड़े मियां छोटे मियां और मैदान, तो and none of them worked in the box on the box office, and that was really sad, and right now our film industry needs desperately needs some hits, right? So Stree 2 is the beginning. Now let's move on to Khel Khel Mein. Khel Khel Mein didn't have as good a response as Stree 2, but it is good to see that Akshay Kumar is, can't say that it doesn't have that kind of response, because the problem is, you know, right now we were talking to people, not today, I'm talking about the advance ticket bookings. Yeah, but I feel that word of mouth will increase the number of the audience, and the thing about Khel Khel Mein, it's a comedy film, it's a very Actually, good comedy film, and I comedy. Yeah, as what I was telling you, I'm a guy who hardly smile or laugh, but I laughed in that film. There are pro and cons of that film also. There are some emotional scenes where you will feel that emotional scenes, they are not taking film anywhere, but yeah, you will feel that paisa vasool hai. So Khel Khel Mein ke baare mein aapki expectation kya thi, pehle to ye bataiye. I think the biggest problem with Khel Khel Mein, that the buzz was not that much great, and maybe that was a deliberate attempt by filmmakers, because they were thinking that if they will promote it more, then people will have some expectation and it might fall flat. So that's why I feel that they didn't promote it, and now they are waiting that how audience will react to it. What I certainly feel that there was not very aggressive marketing for this film. The visibility quotient was also not good, and it is a huge film. So when you are comparing this film with the visibility, with the excitement, with Stree 2 and Veda, then it was already on the third number. The But first was. But एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि Veda का भी जो प्रमोशन है, वेदा का भी प्रमोशन, वो लोग अलग अलग जगह गए हैं, लेकिन उतना जोरों पे वेदा का प्रमोशन भी नहीं हुआ शायद। पर वेदा का ट्रेलर, वेदर का नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, उसमें क्या होता है कि जब 3 फिल्में आती है, तीनों आपकी एग्रेसिव मार्केटिंग के साथ उसको पुश करती है, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी दर्शक उसको एक्साइटमेंट के साथ रिसीव नहीं करते। क्या हुआ कि स्त्री 2 का ऑलरेडी रिसेप्शन था, उसके बाद वेदा का जब ट्रेलर ओपन हुआ तो उसका एकाएक बस क्रिएट हो गया, वो बात खेल खेल में नहीं हुई, और वही सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इसलिए तीसरे नंबर पे क्यों रही है फिल्म एक्साइटमेंट के मामले में, क्योंकि जो एक्साइटमेंट क्रिएट स्त्री का हुआ, जो वेदा का हुआ, और इस वक्त भी जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, इन दोनों फिल्में की प्रायोरिटी है। अब एक बड़ा वीकेंड जिसमें 5 दिन है आपके पास, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, रक्षाबंधन का, अब 5 दिन के वीकेंड में ऑब्वियसली 2 से 3 फिल्में चल ही सकती है। मैं कुछ बोलना चाहूँगी, सो आई वॉज टॉकिंग टू फ्यू पीपल हियर एंड आई आस्क्ड देम व्हाट इज देयर प्रायोरिटी, सम पीपल सेड इट वाज 3, सम पीपल सेड वेदा, बट दे सेड लॉस नहीं होने देंगे, सब देखेंगे, ये पूरा वीकेंड सब देखेंगे, यू नो, सो देयर वाज दिस एक्साइटमेंट दैट दे वर एक्चुअली देयर वर सो मेनी, दे स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, यस दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, बट दैट्स अ गुड थिंग, दे स्पॉइल्ड फॉर, एंड ऑल ऑफ देम आर सेइंग दिस इज अ लॉन्ग वीकेंड एंड वी आर गोना वॉच ऑल ऑफ देम, दैट्स अ गुड न्यूज़, राइट? नो, गुड न्यूज़ इज बिकॉज़ यू नो आई फील दैट at least people have option, because yes. 2 days back we were doing a story that we don't have content in cinemas, that's why people are releasing, filmmakers are releasing old films, and they are doing well, but now people have a they have a option, they have an option. And the thing is, all are not action, all are not romantic, there's comedy, action, comedy, action, horror comedy, I mean there's so many options, totally different genres, totally different genres. Whenever you, if you will talk about Veda, let's talk about Veda now. Khel Khel Mein, pehle abhi hum Khel Khel Mein baat karte hain, kyunki Khel Khel Mein पूरा नहीं हुआ, पेट्रियोटिक फील तो है, लेकिन खेल खेल में पहले हम बात कर लेते हैं, पूरी नहीं हुई है वो बात।
अपार्ट फ्रॉम बज, क्योंकि उसमें क्या था, मेरे मे बी जो अक्षय कुमार का एक वो चल रहा है इस वक्त टाइम या फेज चल रहा है उनकी फिल्मों का, अक्षय कुमार का नहीं बोलना चाहिए, उनकी फिल्मों का, शायद लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट मुझे लगता है कि ये फिल्म चौंकाएगी, खेल खेल में लोगों को चौंकाएगी, क्योंकि जब हम फिल्म देख रहे थे, अक्सर ऐसा होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो उतना नहीं हंसते हैं, ऐसा नहीं रिव्यूइंग इट, सो व्हेन वी आर वाचिंग अ फिल्म वी डू नॉट रिएक्ट टू इट व्हेन बिकॉज़ वी हैव टू रिव्यू इट लुकिंग एट यू नो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स कॉन्स एंड प्रोस एंड यू नो वी आर बेसिकली रिव्यूइंग इट वाचिंग इट लाइक अ रिव्यू यस यू आर राइट सर या सो दैट्स व्हाई समटाइम्स इट हैपेंस यू नो वी डोंट आर नो नो आर फोकस इज ऑन निटिग्रिटीज ऑफ द फिल्म सो लेकिन जब मैं गया तो मुझे जो फिल्म है उसने बहुत हंसाया फिल्म ने और उसमें जो खामियां हैं वो जो मुझे लगी वो ये कि फिल्म जो है वो एक ही जगह पे ज़्यादातर है तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फिल्म के साथ दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब इमोशन सीन आते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये आ गया लेकिन डायरेक्टर मुदस्सर अजीज़ ने बहुत अच्छी तरीके से उसको संभाला कि जैसे ही आपको लगता है ना अभी थोड़ा ऑफ ट्रैक हो रही है फिल्म वो फटाक से उसमें पंच आते हैं जोक आते हैं और आप हंसना शुरू कर देते हैं फिर से और तीसरी चीज़ ये कि जो स्टोरी की जो नॉवल्टी है क्योंकि ये स्टोरी इस तरह की हम बहुत बार देख चुके हैं और एक आई थिंक स्पेनिश फिल्म की रीमेक है ये हाँ स्पेनिश फिल्म की रीमेक है तो वो एक नॉवल्टी इटालियन हाँ सॉरी स्पेनिश या इंडोनेशियन का ये फिल्म है अपनी स्त्री टू का जो सेकंड हाफ है परफेक्ट स्ट्रेंजर या सो वो उसका ये रीमेक है और इसलिए जो फिल्म है और मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें हम पहले भी कुछ कुछ देख चुके हैं तो इसलिए वो आपको एक नॉवल्टी चेक लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि वो एक ही जगह पर फिल्म है जो मुझे लगा पर्सनली लेकिन आप मायूस नहीं होंगे जब ये फिल्म देखने जाएंगे आप हंसेंगे आपको कुछ रिपोर्ट्स अभी तक मिली हैं नहीं मुझे लगता है कि ये फिल्म धीरे धीरे ग्रो होगी जैसे कि हमने कहा कि 5 दिन अगर है तो उसमें ऑब्वियसली लोगों की प्रायोरिटी स्त्री टू है उसके बाद वेदा है और उसके बाद आई स्मार्ट है डबल स्मार्ट है बहुत सारी फिल्में लेकिन ये हो सकता है कि वर्ड ऑफ माउथ इसका इसको कैरी करे साथ ही साथ 5 दिन का वैकेशन है उसके कारण हो सकता है कि मंडे के बाद ये कंसोलिडेट हो अब हम चलते हैं वेदा पे आज 15th August है एंड देयर इज अ पेट्रियोटिक फील इन द एयर विच का जिसका मतलब है मैंने लोगों से पूछा सब वेदा देखने जा रहे हैं क्योंकि संविधान का रक्षक है वेदा देखो पोस्टर पे लिखा हुआ है दिखाइए आप जरा कैमरा ये देखिए संविधान का रक्षक वेदा एंड जॉन इब्राहिम इज अगेन कमिंग बैक ऑन स्क्रीन एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर मेन कैरेक्टर आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बिकॉज लास्ट हमने उनको देखा था पठान में एज अ नेगेटिव कैरेक्टर सो अभी उनके फैंस बहुत एक्साइटेड है एंड दे आर हियर दे हैव कट अ केक दे हैव पुट दिस ह्यूज पोस्टर हियर या सो ऑल ऑफ दैट हैपेंड बिफोर दे वेंट इन फॉर वेदा आप मुझे बताइए आपको वेदा कैसी लगी सो वेदा जो है मुझे लगता है कि जिस तरह की फिल्मों का ट्रेंड आजकल चल रहा है वेदा वैसी फिल्म नहीं है लेकिन ये अच्छी बात है कि वैसी फिल्म नहीं है क्योंकि आपको इन दो फिल्मों के बीच एक अलग कलर देखने को मिल रहा है वेदा में वेदा एक ऐसी फिल्म है जो आपको एक्शन के साथ साथ मैसेज भी देती है और हम बहुत वक्त से ऐसी फिल्मों के लिए तरस रहे थे जो थोड़ी सी पेस के साथ फिल्म चले बहुत सारे लोग जब ये फिल्म देख रहे थे मेरे साथ जो जर्नलिस्ट देख रहे थे उनको लगा कि फिल्म का पेस जो है वो थोड़ा स्लो है तो मैंने उनको एक बात बोली कि फिल्म मेकिंग में सिनेमा में जब भी हम फिल्म देखते हैं तो एक चीज़ आपने हमेशा नोटिस की होगी कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है फिल्म में उतना ही जब उसका सलूशन आता है एंड में तो उतनी ही बड़ी विक्ट्री ऑडियंस को फील होती है उतना ही बड़ा इमोशन के साथ वो जुड़ती है और वेदा के साथ वही है क्योंकि वो पेस की अगर आप शिकायत करेंगे तो वो शायद इसलिए है कि ये कास्टिज्म के ऊपर ये फिल्म है जातिवाद का मुद्दा उठाती है फिल्म और आपने ट्रेलर में देखा ही होगा और उस वजह से वो जो कैरेक्टर्स हैं जो इस जातिवाद से जूझ रहे हैं उनको एस्टैब्लिश करने में वो प्रॉब्लम को ऑडियंस के दिलों तक पहुंचाने में वक्त लेती है और उसके बाद फिर जो अपनी एक कहानी है वो आगे बढ़ती है लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शर्वरी वाघ का मैं नाम लेना चाहूँगा इस साल 3री फिल्म है उनकी और उन्होंने पिछली दोनों फिल्मों में कमाल काम किया है और इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है निखिल अडवाणी की फिल्म है निखिल अडवाणी का तुमने नाम लिया है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि निखिल अडवाणी की वजह से ये फिल्म
अच्छी है, उनके डायरेक्शन की वजह से अच्छी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस तरह की स्टोरीज जो कास्टिज्म पे बने, हमने बहुत 80s में, 90s में, 70s में बहुत सारी फिल्म्स इस पे देखी हैं, जो पेट्रियोटिक फीलिंग जगाता है अंदर, पेट्रियोटिक के अलावा जो आपको फील गुड कराता है एक पॉइंट के बाद, विक्ट्री, द विनिंग मोमेंट दैट हैपेंस इन दीस काइंड ऑफ फिल्म्स दैट रियली वर्क्स फॉर द ऑडियंस, राइट? एंड वी हैव मिस्ड इट, वी मिस दैट फीलिंग. एंड आल्सो द बेस्ट पार्ट इज दे आर द ट्राइड एंड टेस्टेड पेयर, बिकॉज दे हैड डन बाटला हाउस, दे हैड डन सत्यमेव जयते एंड ऑल दिस केमिस्ट्री, या सो देन वेदा, सो दैट इज द पेयर ऑफ निखिल अडवाणी एंड जॉन अब्राहम, हु हैज ऑलवेज डिलीवर्ड सक्सेसफुल फिल्म्स. सो वी लुक अप टू द फिल्म, एंड व्हेन यू चूज समथिंग which is very issue based, and then you club action with it, and that too when you release it amidst a big competition of Stree 2 and Khel Khel Mein, it simply shows that you are very confident about your film, you are confident about your content, you are confident about John Abraham as the action star, you are confident about the issue also which you are pushing with this film. So राइट, मैं कह रहा हूँ सत्यमेव जयते या और जो फिल्म पहले हुई फुल ऑन एक्शन फिल्म बना सकते थे ये इसको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कि सेफ नहीं खेला जो ज्यादातर फिल्म मेकर खेलते हैं, तो उन्होंने सेफ नहीं खेला और उन्होंने वो सारी चीजें, जैसे मैं कह रहा था कि मैंने कुछ जर्नलिस्ट को बोला कि अगर इसका पेस फास्ट कर देते थे तो जो फिल्म का मुद्दा है वो बहुत सुपरफिशियल हो जाता, वो आपको फील ही नहीं होता, वो सतही तौर पर निकल जाता कि हाँ यार एक आदमी के साथ कुछ हुआ, उसने फिर बदला लेने की कोशिश की, ऐसा कुछ हो जाता. तो ये जो पेस है, पेस को लेके अगर आप आर्ट सिनेमा की बात करें या वो सिनेमा की बात करें, बुद्धा देव दास गुप्ता या जो बंगाल का सिनेमा है, जो मलयाली सिनेमा है, उन सब सिनेमा की बात करें, उनका पेस तो बहुत स्लो होता है. ठीक है, इसीलिए लोग, काफी लोग नहीं देखते, बिकॉज़ पेस स्लो है. हाँ, लेकिन इस फिल्म में मिक्स है दोनों का, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा कि बहुत स्लो पेस है, आपको एक्शन भी मिलेगा. जॉन अब्राहम ने अच्छा काम किया है, जॉन अब्राहम का एक्शन तो है ही है, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेशन से अपने जो फीलिंग्स हैं उनको दर्शकों तक पहुंचाया है, और एंड में जाके फिल्म क्लाइमैक्स पे आपको कहीं ना कहीं धर्म से भी जोड़ती है, महाभारत का एक पूरा. ओके, थैंक यू फॉर द स्पॉइलर सर. नो नो, इट्स नॉट दैट स्पॉइलर, कि धर्म से जोड़ने से मेरा मतलब है कि उन्होंने 15 अगस्त यानी कि पेट्रियोटिज्म और जो हमारी रूट्स हैं कि कभी भी जब भी कुछ इस तरह का अन्याय होता है तो उसके साथ कैसे लड़ना चाहिए, वो सब बातें जो हमारे रूट्स हैं उनको भी पकड़ा है. Okay, hum log whenever we see there's a clash at the box office, we always talk about there's a risk. But do you think it's a risk for any of these films because such a long weekend and there's a clash? Mujhe to is baar lag raha hai ki acha hua sari filmein ek saath release hui because so many choices, right? And it's a long weekend. Yeah, I don't feel there is a clash because there is a very huge weekend. Yes. Space, and when you talk about 5 days and that too festivity, holidays, then the middle class person or the film goer will always go with his family to malls, multiplexes. They will spend money on the films because that is what we love. So when you have almost 3 major films and then you have a big holiday window of 5 days, it becomes very logical. मुझे लगता है एक चीज जो है जो फिल्म मेकर्स भी मान रहे थे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था उनके ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे भी, कि स्क्रीन की फाइट हो जाती है, है ना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्क्रीन है इंडिया में आई थिंक अराउंड 9000 स्क्रीन है टोटल, और लेकिन जो बड़ी से बड़ी फिल्म है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर पठान जवान की भी बात करें तो वो सिर्फ 5.5-6 हज़ार स्क्रीन पे लगी हैं. तो मेरे ख्याल में स्त्री टू को 3,000 मिले हैं और बाकी आप लगा लीजिए कि अगर आपके पास ये है तो बाकी को कितना मिला होगा खेल खेल में. तो होता ये है कि अगर एक ही फिल्म है तो ऑडियंस को जो भी फिल्म देखना चाहते हैं वो ही देखने जाएंगे. यहाँ लोग देखेंगे और जैसा हम कहते हैं कि महंगा टिकट है, 15 अगस्त पर ये भी बात हो रही थी टिकट महंगे हो जाएंगे, तो ऑडियंस की जो प्रायोरिटी होगी पहले वो फिल्म देखेगी जिसके लिए वो पैसा खर्चा करना चाहेगी, है ना. लेकिन अगर ये तीनों एक साथ नहीं आ रही होती तो फिर वो जो फिल्म होती वो वही देखते. इसमें क्या होता है ना प्रशांत, के आपके पास भले 3 ऑप्शंस है, शोकेसिंग में क्या होता है कि जैसे आपने थर्सडे फ्राइडे का कलेक्शन देखा, उसके बाद जो फिल्म मिनिमम बिजनेस कर रही है,
जो ग्रो अप नहीं हो रहे या जो वॉश आउट है उसके शोज अकोमोडेट कर दिए जाते हैं दूसरी सक्सेसफुल फिल्म को। तो इसके लिए कभी भी ऑडियंस के पास चॉइस तो ये होता ही है कि ये मेरी प्रायोरिटी की फिल्म है, सेकंड में ये देखने वाला हूँ, तीसरी में ये देखने वाला हूँ। तो ये जो तीन फिल्मों का चॉइस और आपके पास अलग अलग जॉनर्स, इसमें 5 दिन की विंडो आपको कॉन्फिडेंट और आपको स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस बनाती है। चलिए मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कल पेड प्रीव्यू देखा, ठीक है, अगर पेड प्रीव्यू नहीं होता और आज आपको फिल्म देखनी पड़ती तो आप तीनों में से कौन सी फिल्म पहले देखते? मैं स्त्री 2 देखता। अभी आप बताइए। स्त्री 2 फॉर श्योर। आप अच्छा ये स्त्री 2 ही देख देंगे फॉर श्योर। हाँ तो जाहिर सी बात है पेड प्रीव्यू भी अच्छे इसीलिए आए क्योंकि लोग स्त्री 2 पे उसका जो फर्स्ट पार्ट था सीक्वल पहला जो था वो लोग दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्त्री 2 वेयर इट इज गेनिंग मोर बज इज बिकॉज ऑफ स्त्री बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी। 2018 अगर हिट नहीं होता स्त्री तो ये नहीं होता। 6 साल का इंतजार भी है। एग्जैक्टली 6 साल लोग भूल जाते हैं 6 साल में। और जब जब ये फिल्में आ रही थी भेड़िया और मुंजिया और ये सब तो लोग पूछ रहे थे कि भाई आप स्त्री 2 कब लाओगे। बट वही मैं बोल रही हूँ कभी कभी क्या होता है लोग भूल जाते हैं, दे मूव ऑन एंड इट्स वेरी इजी टू मूव ऑन एंड फॉरगेट। बट स्त्री का इम्पैक्ट ऐसा था कि स्त्री 2 इज वॉज अ लॉट ऑफ पीपल्स प्रायोरिटी एंड मुझे वही देखना है। राइट बट मैं बोलता हूँ कि जो लोग कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं वो जाहिर सी बात है स्त्री 2 हॉरर कॉमेडी देखना चाहते हैं स्त्री 2 देखेंगे। लेकिन जो अक्षय कुमार बार बार बोल रहे थे कॉमेडी, मैं आपको एक बात बताऊं, खेल खेल में अक्षय कुमार, तापसी पन्नू और एमी वर्क, इन तीनों ने अपने कंधों पे फिल्म लाई। और ये बात बिल्कुल सही है जब आप बोलते हैं कि अक्षय कुमार जो है वो खिलाड़ी हैं कॉमेडी के, तो ये बात आपको खेल खेल में तो नजर आएगी, बाकी आप अपना दिमाग लगा लीजिए। एग्जैक्टली नहीं, मैं मानता हूँ कि अक्षय कुमार की ये फिल्म सक्सेसफुल हो सकती है बशर्ते ये अपनी प्रायोरिटी प्रायोरिटाइज हो जाए लोगों का। 2 फिल्में देखने के बाद ये तीसरी फिल्म देखेंगे और चूँकि बहुत बड़ा वीकेंड है तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे इसको। हाँ, बशर्ते उसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो, पॉजिटिविटी हो। और इस वक्त तो मैं सबसे बड़ा स्ट्रांग वर्ड ऑफ माउथ वेदा और श्री 2 का देख रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो दोनों दरवाजे हैं इसके ये अभी खाली हो चुके हैं, भीड़ जो है वो खाली हो चुकी है, लोग अंदर फिल्म देखने जा चुके हैं और जब वो बाहर आएंगे तो बताएंगे कि उनको फिल्म कैसी लगी। तो हम भी तब तक के लिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी। थैंक यू।